Let's do question number 9th, first part of exercise 16A, that is area of circle. Question number 9th, first part is, a path of 8 meter width runs around the outside of a circular park. Circular park है जिसके outside में 8 meter width का path है. तो देखिए, एक circle है, उसके outside में ये 8 मीटर का सर्कुलर पाथ है, राइट? आगे क्या कह रहा है? हुज रेडियस इज 17 मीटर, जिसका रेडियस 17 मीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. और हमें पाथ का एरिया निकालना है. एक सर्कुलर पाथ है, वो कह रहा है, जिसका रेडियस 17 मीटर है. इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का 17 मीटर हो गया, राइट? और हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द पाथ. हमें इस पाथ का एरिया निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये मेरा आउटर पाथ है, ये मेरा इनर पाथ है, राइट? हमें एरिया निकालना है पाथ का. तो एरिया के लिए रेडियस क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ इनर पाथ, कह रही हूँ मैं, इनर पाथ दे रखा है हमारा 17 मीटर. और हमारा एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ इनर पार्क का एरिया क्या हो गया? दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो ये कितना आ गया? 22/7 इंटू 17. अब 17 इंटू 17 होता है 289, को हमने 22 से मल्टीप्लाई किया. 2 9 18, 2 8 16 एंड 17, 2 2 4 एंड 5, फिर से 8 7 एंड 5. तो ये आ गया 8 15, कैरी 1 13 आ गया, कैरी 1 6. तो ये आ गया हमारा 6 3 5 8/7 मीटर स्क्वायर. हमारा इस सर्कल का, अंदर वाले सर्कल का एरिया आ गया ये, राइट? अब हम आउटर सर्कल का एरिया निकालेंगे. तो उसके लिए रेडियस क्या होगा? हमें तो इनर का रेडियस दिया हुआ है. तो देखिए, पाथ की वैल्यू दे रखी है हमें कि पाथ 8 मीटर चौड़ा है. तो अगर मैं इस रेडियस में ये 8 मीटर का पाथ ऐड कर लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस पता चल जाएगा, जो हमारा रेडियस होगा. तो रेडियस ऑफ आउटर पाथ, आउटर पाथ कितना आया? दैट इज 17 मीटर में हमने 8 मीटर ऐड कर दिया, तो ये आ गया 25 मीटर का. तो एरिया कितना हो गया? एरिया ऑफ आउटर पाथ आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर होता है. तो पाई हुआ हमारा 22/7, आर हुआ 25 इंटू 25. अब 25 इंटू 25 होते हैं 625. 22 से मल्टीप्लाई की, 2 5 10, 2 2 4 एंड 5, 2 6 12, 0 5 2 1. तो आया 0 5 7 3 1. तो ये एरिया आ गया हमारा 13750/7 मीटर स्क्वायर. अब हमें बाहर का भी एरिया पता चल गया, आउटर पाथ का और इनर पाथ का भी. तो हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना था. तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? दैट इज आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, इनर एरिया. तो आउटर एरिया कितना हुआ? आउटर एरिया है 13750/7, और इनर एरिया आया हमारा 6358/7. तो ये कितना आया? 7 एलसीएम में आ गया. 13750 माइनस 6358, तो अब कितना आया?
अब देखिए 10 में से 8 गया इज 2, 14 में से 5 गया इज 9, 6 में से 3 गया इज 3 एंड 13 में से 6 गया इज 7 अपॉन 7. तो एरिया ऑफ पाथ आ गया 7 1 7 0, 39 39, 7 5 35, 42 7 6 42 मीटर स्क्वायर. तो हमारा एरिया ऑफ पाथ आ गया 1056 मीटर स्क्वायर इज द आंसर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये फर्स्ट पार्ट था. अब सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में कह रहा है अ पार्क इज ऑफ द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 मीटर. पार्क सर्कल की फॉर्म में है, सेकंड पार्ट है, जिसका डायमीटर 7 मीटर है, जिसका डायमीटर 7 मीटर है. तो देखिए ये पार्क है, इसका डायमीटर 7 मीटर है, राइट. आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ विड्थ 0.7 मीटर. इसके चारों तरफ एक पाथ है जो कि 0.7 मीटर का है. ये पाथ है और ये है हमारा पाथ 0.7 मीटर का. अब क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ. हमें एक्सपेंडिचर निकालना है सीमेंट लगाने का पाथ पे, इफ इट कॉस्ट इज 110 पर स्क्वायर मीटर. अगर उसकी कॉस्ट 110 रुपये पर स्क्वायर मीटर है तो हमें इस पाथ पे सीमेंट लगाने का एरिया कॉस्ट पता करनी है. तो हमें इसका मतलब इस पाथ का एरिया निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये आउटर पाथ और ये इनर पाथ है. तो हमारा रेडियस, रेडियस ऑफ इनर पाथ क्या हो गया, इनर पाथ देखिए डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का आधा क्या होगा, हमेशा रेडियस होगा. तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो डायमीटर है हमारा 7 अपॉन 2, हमारा रेडियस आ गया. आप चाहें तो इसको एज इट इज़ ले सकते हैं और चाहें तो इसको आगे सॉल्व करके 3.5 मीटर भी ले सकते हैं, राइट. अब देखिए अब हमारा एरिया क्या आया, एरिया ऑफ इनर पाथ, इनर पाथ का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो पाई क्या है, 22/7. आर क्या है, दैट इज 7/2 ही ले रही हूँ, 7/2. तो ये कितना आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 × 11. तो ये आया 77/2 मीटर स्क्वायर, राइट. अब हमें आउटर का रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ आउटर पाथ. तो कैसे निकालेंगे, देखिए इनर के रेडियस में अगर ये मैं 0.7 मीटर ऐड कर दूं तो हमारा आउटर का रेडियस आ जाएगा. तो हमने किया 7/2 इनर का रेडियस प्लस 0.7. अब ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया. फिर से बता रही हूँ आउटर का रेडियस कैसे निकाला है, इस डायमीटर का आधा हमारा इनर का रेडियस था, उस पर हमने इस पाथ का जो विड्थ है वो ऐड कर दी. तो यही थी 0.7, तो वो ऐड कर दी. तो ये कितनी आ गई, दैट इज 20 आ गया, दैट इज 10 आ गया रेडियस. अब 7 की मल्टीप्लाई 5 में प्लस 7, तो यह 35/7/10. तो यह आया 42/10 मीटर, हमारा आउटर रेडियस आ गया. अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ आउटर पाथ, ये आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू है 22/7 और आर कितना है, 42/10 × 42/10. तो देखिए 7 1 7 7 6 42, तो ये कितना आ गया, दैट इज 42 × 132, 22 × 6 इज 132, राइट.
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 132 आया इंटू 42, तो ये आया 2 2 ज़ 4, 2 3 ज़ 6, 2 1 ज़ 2, 4 2 ज़ 8, 4 3 ज़ 12, कैरी 1, 4 1 ज़ 4 एंड 5, तो ये आया 4 14 5 एंड 5, तो ये आया 5 5 4 4 डिवाइड बाय 100 राइट मीटर स्क्वायर। तो अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। तो आउटर एरिया आया हमारा 5 5 4 4 डिवाइड बाय 100 और इनर एरिया आया हमारा 77 अपॉन 2। तो एलसीएम ले लिया, 100 ही आएगा नीचे एलसीएम। अब 5 5 4 4 माइनस 77 इंटू 50, तो ये कितना आया देखिए, अपॉन 100 एज इट इज 5 5 4 4 माइनस 0 एज इट इज 5 7 ज़ 35, 5 7 ज़ 35 प्लस 3 ज़ 38, तो ये आ गया 4। 14 में से 5 गया इज 9, 4 14 में से 8 गया इज 6 एंड 4 में से 3 गया इज 1 अपॉन 100। तो एरिया ऑफ पाथ आ गया ये इतना मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट दे रखी थी, कॉस्ट क्या कह रहा है, कॉस्ट के लिए कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 110 है, तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 110 रुपीस। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग जितना पाथ का एरिया है उसकी कॉस्ट निकाल देंगे। देखिए कभी भी किसी की भी चीज़ कॉस्ट निकालनी है, लाइक हमें इस पाथ की कॉस्ट निकालनी है तो हमें पहले पाथ का एरिया निकालना होना चाहिए। तो वो मैंने क्या किया, आउटर में से इनर माइनस कर दिया, तो हमें सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया पता चल गया। अब इतने पोर्शन को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिए को, तो हमारा पाथ का एरिया, पाथ का कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग निकल के आ जाएगी। तो ये आया अपॉन 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, देखिए 1 की दे रखी है, ज़्यादा की पूछी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1694 अपॉन 100 की मल्टीप्लाई 110 में, तो 10 से 10 कैंसिल हुई। अब 1694 की मल्टीप्लाई 11 में, तो ये आया 1694 इंटू 4961, 4 13 कैरी 1, 16 कैरी 1, 8 एंड 1, तो ये आया 18634 अपॉन 10, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया 0.4। इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग आ गई इस पाथ को बनाने की, दैट इज़ 1863 रुपीज़ 40 पैसा इज़ द आंसर।